अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम हो गया आप सबका अनदर ब्रांड न्यू बंटी के व्लॉग में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि कल जो आपने वीडियो देखी थी हमारे इनक्यूबेटर की, हैंडमेड होममेड इनक्यूबेटर की, आज उसके अंदर हम रखने लगे हैं इनक्यूबेट करने के लिए अंडे, जो कि हम कल लेके आ चुके थे और पहले भी जो लेके आए थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो आज हम रखने लगे हैं अंडे इनक्यूबेट करने के लिए। चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं कैसे इनक्यूबेटर में अंडे रखने हैं और क्या क्या प्रोसेस है। चलते हैं फिर। हाँ जी, तो अंडों पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाते क्यों हैं, क्या फ़ायदा है इसका, तो ये भी आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। एक बार ये पूरे हो जाएं फिर आगे दिखाते हैं आपको। जी, पॉजिटिव नेगेटिव लगने के बाद अब इसकी बारी है इनक्यूबेटर में रखने की। ये वाले अंडे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये अंडे ब्लैक ऑस्ट्रलोब के हैं और ये जो रैक में अंडे पड़े हुए हैं ये देसी भी हैं, इसके अंदर सील भी हैं और दो अंडे ये कुछ स्पेशल हैं। यहाँ इनक्यूबेटर मैंने पहले ही चला दिया था आधा एक घंटा पहले, ताकि इसके अंदर हीट एक मेनटेन हो जाए और जैसे हम अंडे रखें तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए इनक्यूबेट करने का। हाँ जी, तो फाइनली अंडों को इनक्यूबेट करने का टाइम आ गया है। अब इसके अंदर सारे अंडे सेट करते हैं, फिर इनकी पॉजिटिव साइड को ऊपर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वगैरह तो हम इस पर रख चुके हैं और अपना टेम्परेचर भी इसका सेट कर चुके हैं। अब शाम से 4 से 5 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी दोनों लाइट्स ऑफ होना स्टार्ट होंगी। अभी दोनों ही चलेंगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ही चलना और बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद फिर आपको 5 से 7 घंटे बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्या टेम्परेचर। अभी 21 टेम्परेचर है अंदर का, जो क्योंकि अभी भी रखे हैं और बाहर का भी नॉर्मल सेट है। 5 से 7 घंटे बाद अभी वापस आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इनक्यूबेटर में अंडे रखे हुए को 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और काफ़ी शाम भी हो चुकी है। अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम इनक्यूबेटर का क्या सीन। कमरे का दरवाज़ा ज़्यादातर बंद रखते हैं क्योंकि बाई चांस ये देखें एंटर होते ही साथ ही देखें। अभी ग्रीन लाइट चल रही है, अंदर का टेम्परेचर 35 हुआ है, ठीक हो गया, और ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल सेट है 57 पे, और बाहर के टेम्परेचर जो दोनों हैं 37 हमने सेट किए थे, 37.3। तो अब जैसे थोड़ी सी लाइट हीट कम होती है वो एक लाइट चल जाती है, वो हीट थोड़ी सी ज़्यादा होगी दोबारा ये लाइट बंद हो जाएगी। अभी देखें आप, तो इधर अंडों के हमने पोजीशन भी चेंज की है। पहले पॉजिटिव साइड ऊपर थी, अब पॉजिटिव साइड नीचे की है, नेगेटिव साइड ऊपर की है, क्योंकि इसको 7 से 8 घंटे के अंदर हिलाना होता है दोबारा। 7 से 8 घंटे के अंदर इसकी पोजीशन एक बार चेंज करनी होती है। कि हमने इसको यहाँ पे लिख के भी रखा है कि भाई 5/12/2023 1 बजे हमने रखे हैं पूरे, ठीक है। अब 7 घंटे हो चुके हैं, 7 घंटे बाद हमने इसकी डायरेक्शन भी चेंज की है और नाम क्या इसको एक बार आपको दिखा भी दिया। अब 7 दिन क्या है, 10 दिन बाद इसमें कैंडलिंग करेंगे। 10 दिन की कैंडलिंग में हमें यह पता चल जाएगा भाई हमारे जो अंडे हैं वो ठीक इनक्यूबेट कर रहा है कि नहीं कर रहा इनक्यूबेटर। अगर तो ठीक कर रहा होगा तो बहुत ज़बरदस्त बात है, फिर हम देखते हैं। फिर 25 दिन बाद 25 तारीख को बच्चे निकलेंगे, 10 से 5 को रखे हैं और 21 दिन बाद निकलते हैं, 25 से 26 में निकलना स्टार्ट होंगे। तो अगला व्लॉग इसका तब भी आएगा जब बच्चे निकलना स्टार्ट होंगे या जब हम कैंडलिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।